नमस्कार, आप देख रहे हैं SSP न्यूज पलामू और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर पांडे। और आज आप देख सकते हैं ड्राइवरों, स्थानीय जो ड्राइवर हैं वो आज यहां पे धरना दिए हुए हैं, जिसका वजह से जो एक जो पुल था यहां पे लगभग सैकड़ों गाड़ी लगी रहती थी, आज सभी लोग धरना की वजह से सब गाड़ी अपने अपने जगह है। और स्थानीय जो यहाँ के चालक हैं, गाड़ी चालक हैं, आज सड़क जाम किए हुए हैं। और इसका वजह भी हम बता दें, एक नया कानून आया है हिट एंड रन के तहत। पहले क्या था कि 2 साल के तक ही जेल की सजा था और इसमें बेल भी मिलता था। हिट एंड रन उसको कहते हैं जैसे कोई चालक किसी को धक्का मार के अगर भाग जाता है, ये हिट एंड रन में आता था। इसके तहत पहले लोगों को 2 साल की सजा मिलता था और भी बेल भी इसे मिल जाता था। लेकिन जब अब हिट एंड रन का जो अभी नया कानून आया है उसमें प्रावधान किया गया है 10 साल की सजा। अगर आप किसी व्यक्ति को धक्का मार के चले जाते हैं, भाग जाते हैं, तो आपको 10 साल की सजा मिलेगा। अगर आप रुक जाते हैं तो आपको कुछ रियायतें मिलेगी सरकारी कानून के तहत, लेकिन रुकना मतलब हुआ भीड़ आपको मार देगा। इसके खिलाफ स्थानीय जो चालक है आज धरना दिए हुए हैं। समस्या ये भी है जो गाड़ी चालक के द्वारा कि अगर धक्का मार कर हम रुकते हैं और जो हमारा एक्सीडेंट हुआ है उसको लेकर जाते हैं, इस बीच में उग्र जो भीड़ है वो हमला करके मुझे भी मार देगा। डर इन लोग के है, कोई कानून से कोई इनका कोई खास लगाव नहीं है, लेकिन अगर कानून बनता है तो इसको सेफ्टी के तौर पे ड्राइवर को कुछ देखा नहीं गया है, ड्राइवर की बात को कुछ सुना नहीं गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ के स्थानीय ड्राइवर से कि समस्या क्या, आप लोग किस लिए धरना दिए? समस्या के है सर कि गृह मंत्री जी से हम लोग का बोला गया है कि धाका जो मार देता है रोड पर ड्राइवर, उसको रोक के इलाज कराना है। जिस समय हम रोक इलाज कराएंगे तो वहाँ पोस्टमास्टर तो हम ही लोग कर दिया जाएगा, बशर्ते हो रह गया कि 10 लाख जुर्माना है। 10 साल जुर्माना है, 10 साल जुर्माना है, 7 लाख रुपया जुर्माना है। हम लोग कहाँ से दे पाएंगे? हम लोग रोड में चलते हैं, जिसके पास 5 रुपया नहीं वो 2-4 थप मार के निकल लेता है। उसके लिए गृह मंत्री जी कुछ सोचे हम लोग के लिए, कैसे रोड में चलाता है, कैसे खाता है? हम लोग के तो सरकारी तनख्वाह नहीं मिला जाता है, सरकार के लिए हम लोग की सोच है। देखिए, इनका कहना साफ है कि सरकार नियम कानून तो बनाता है लेकिन ड्राइवर को अपने ताक पर रखकर बनाता है, ड्राइवर को कोई सुनता नहीं है। ये लोग जो है 8,000-10,000 पे मजदूरी करने वाले चालक हैं, जो 8,000-10,000 में काम करते हैं, और किसी का मार के चल जाए तो 10 साल सजा हो जाएगा, तो इनका परिवार का भरण पोषण क्या करें, यही समस्या है। और कौन कौन ड्राइवर अभी क्या करना चाहेंगे, आइएगा इधर बोलिए। तो समस्या यहाँ का यही है, लोग कानून का विरोध कर रहे हैं। कारण है कि यहाँ पे नियम ड्राइवर के खिलाफ है, अगर धक्का मार के भाग गया तो 10 साल की सजा है और लगभग मोटा रकम की नकद की भी जुर्माना भी लगाया गया है। बात करना चाहेंगे, क्या समस्या लोग क्या है? समस्या यही है सर कि नया जो कानून लागू हुआ है वो ड्राइवर के हित में बहुत ही खराब, बहुत ही बुरा कानून है, जिसके लिए ड्राइवर रोड पे गाड़ी चलाता है। अगर बाय चांस हर समय ड्राइवर का ही गलती नहीं रहता है, बड़ा गाड़ी हो या छोटा गाड़ी हो सकता है 4-व्हीलर से चल रहा हो, बाइक वाला का भी गलती होता है, घुस गया ड्राइवर का भी जानबूझ के एक्सीडेंट या किसी को धक्का नहीं मारता है, बाय चांस अगर लगता है तो अगर उसको छोड़ के भागने का बस एक ही मजबूरी होता है कि अपना जान बचाना। अगर वो अपना जान बचा के नहीं भागता है, जो धक्का लग गया है वो घायल को उठा के हॉस्पिटल ले जाता है, तो जो आसपास के जनता है उसको मार के वहीं ख़त्म कर देगा। घायल को हॉस्पिटल क्या ले जाएगा कि उसी को घायल कर देगा, इसके वजह से मजबूरी होता है कि वहां से अपना जान बचा करके भागना। अब भागने के बाद जो सरकार नियम लगाई है कि 10 साल का जेल होगा, 5 लाख रुपया जुर्माना लगेगा, तो ड्राइवर 5,000-7,000 रुपया महीना कमाता है, तो 10 लाख का जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना तो दे नहीं सकता है। अगर 10 साल का जेल हो जाएगा तो ड्राइवर के पीछे उसके पत्नी हैं, बाल बच्चे हैं, माँ बाप हैं, 4-5 जने जो खाने वाले हैं, एक अकेला गाड़ी चला के 5,000-7,000-10,000 कमा के अपना घर चलाता है, पालन पोषण करता है,
तो उसको अगर 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए तो उसके पीछे जो 4-5 लोग हैं तो भूखे मर जाएंगे, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए सरकार से यही गुजारिश है कि कानून जो भी बनाया जाए ड्राइवर को एक नज़र रख के उनके हित में कुछ कानून बनाया जाए। इससे साफ यही जाहिर होता है कि ड्राइवर के हित में कोई कानून नहीं बना है, ड्राइवर पे मौत मारा जाएगा। सरकार से यही अपील है कि इस कानून को वापस लिया जाए और जो पहले का कानून था वही लागू किया। अगर करना भी है तो 10 साल जगह पे 5 साल का हो जाना चाहिए। 5 साल भी होगा तो बहुत है सर, 5 साल भी जेल होगा तो 5 साल थोड़ा बहुत नहीं होता है, 5 साल भी बहुत है। 10,000 रुपया महीना पर महीना कमा के पर महीना पालन पोषण करने वाला अगर 6 महीना के लिए भी चला जाता है तो 6 महीना में उसका परिवार खत्म हो जाएगा। 5 साल तो बहुत है, 5 साल में 60 महीना। तो देख सकते हैं काफी यहाँ पे भीड़ है, आप दिखाएंगे 150 रुपया, लेकिन यहाँ पे एक रियायत दिया गया है जो बाइक चालक है बाइक को अनुमति है, जो चालक है बाइक को जाने दे रहे हैं, बाइक को छोड़ा कर सभी गाड़ी को रोक रखा है यहाँ पे है। और जो हिट एंड रन का मामला है सभी गाड़ी पे लागू होता है, इसका वजह से ऑटो चालक है बस चालक है हाइवा ट्रक चालक जो भी है सभी लोग सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। धन्यवाद।